Hey there, welcome back to our channel. I'm Sadiq Ali and today we have an exciting reaction video. In this video we will be watching and reacting to Dhaba Queen ka best Punjabi food. Wo bhi sirf 40 rupees mein jo ki mujhe to ye sach nahi lagta lekin chalo check karte hain ki kaisa hai. So let's get started. Isko Queen kehte hain wo Queen Dhaba Queen. Dekhte hain kaisa hai. Aur 40 rupees mein wo dete hain na khana shana. थैंक यू मैम, आपने टाइम दिया अपना. मोस्ट वेलकम. आपने मेरे को टाइम दिया, आपको थैंक यू है. तो नाम क्या मैम आपका? अमन हुंदल. अमन हुंदल, तो आप कब से लगा रहे हो यहाँ पे? मेरे को 6 months हो गए यहाँ पे. तो हम होता क्या, एक बार आप दिखाओगे? काफी सारे यार सामने यूटेंसिल्स पड़े हैं और तो है जी बासमती चावल, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट कंटेनर में क्या है मैम? कड़ी है, पंजाबी है की फेवरेट. वाह, तो यार अभी हम आए ना, एक घंटा हो चुका है और कड़ी आप देख रहे हो ना नीचे जा चुकी है. फूड यहाँ पे आपको आना ना तो हाथों हाथ है ना जी. तो ये है जी आलू और न्यूट्री. अच्छा, सूखे आलू साथ में न्यूट्री, बहुत बढ़िया. और साथ में क्या मैम? ये राजमा. राजमा, ये चित्रे राजमा मैम? नहीं, ये प्लेन रेड राजमा है. अच्छा, और आपने ये सीखा कहीं से काम? सर एक मैंने स्मॉल कोर्स HM किया है, एडवांस डिप्लोमा जिसको कहते हैं, सिंगापुर से किया था. ठीक है, तो बाकी कुकिंग के जो स्किल होते हैं माँ से वैसे ही आ जाते हैं. एक बच्चे को मदर्स हैं, उनको अन्नपूर्णा बोलते हैं कि उनके हाथ में गुण है. मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे बड़ी शेफ है जो माँ ही होती है. आपकी ट्रेनिंग दुनिया के सबसे बड़े शेफ से ही हुई लगती है. सही है मैम. ये पीछे बड़ा सही पोस्टर लगा हुआ है, ये कौन है? सर दिस इज माई स्नैपचैट अवतार. अच्छा, स्नैपचैट पे जो अवतार आता है यार, ये देखो आप. अच्छा, इसको आपने अपना लोगो बनाया हुआ है? लोगो बनाया हुआ. और एक ऐसी चीज भी है ना मैम, अभी जैसे लोग जो देख रहे हैं वीडियो, बहुत सारे सोचते हैं कि यार मेरे को काम करना है, बट आप अभी रोड साइड आप देखो, ये सामने सेटअप है मैम का और बिल्कुल हाईवे के ऊपर खड़े हो. हाँ जी. मतलब लोग सोचते हैं कि यार मेरे को रेस्टोरेंट भी खोलना है, लोग आएंगे कैसा होगा, बट आप तो बिल्कुल एक्सपोजर में खड़े हो कि कोई भी दूर से आके आपको देख के रुके खाना खा सकता है. यहाँ से मनाली जाने को रास्ता भी जाता है, लुधियाना को जाएगा, क्योंकि ये है एक अजीब समाचार वाली रोड है. मैम पीछे जो काउंटर है वो दिखाओगे, बहुत बड़ा चपाती बॉक्स नजर आ रहा है. ये चपाती है. अच्छा, ये अपनी घर की रोटी बनी होती है ना? घर की रोटी है, तवा चपाती. तो यार घर का फुलका भी यहाँ पे मैम के पास अवेलेबल है. ये बड़ी चीज स्पेशल लग रही है क्या मैम? हमारी 80 वाली प्लेट है, सबसे बिग साइज है. और ये डिस्पोजेबल अलग है थोड़ा, मतलब थर्माकोल नहीं है? ये सर गन्ने के वो जो क्या कहते हैं उसको बनाया गया होता है शुगर के. अच्छा, एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जो आजकल बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स यूज कर रहे हैं इसको. यहाँ पे ये कम्प्लीट हाइजीन है, डिस्पोजेबल में आप देते हो, कस्टमर खाए डस्टबिन में डाले, और ये प्लेट भी इजी डिस्पोजेबल है, एनवायरमेंट खराब नहीं करती. सही है. इसको अगर जानवर भी खा लेगा ना, जैसे देखते हैं बफेलोस वगैरह सड़क पे होती हैं, वो भी खा लेगी उसको ये नुकसान नहीं करेगी. तो मैम थाली मतलब क्या क्या रोटी कैसे देते हो आप? थाली कैसे होती है? 60 की थाली है राइस की, उसके साथ आप दो फिलिंग करवा सकते हो कोई भी सब्जी, जैसे कोई राजमा लेता है, कड़ी लेता है, व्हाइट छोले लेता है, कोई भी दो सब्जी ले सकते हैं. उसके बाद 60 की हमारी चपाती की थाली है, उसमें दो सब्जियाँ हैं, तीन चपातियाँ हैं. 80 की थाली हमारी कॉम्बो है, राइस रोटी दोनों ही मिक्स होते हैं. क्या बात है, जो प्रोफेशनल मैम ढाबा वाले होते हैं ना वो भी इतना तेज मेन्यू नहीं बताते जितना तेज आपने बता दिया. मेरे को मतलब पता भी नहीं लगा क्या क्या आइटम्स हैं. मैं दोबारा बता देती हूँ. नहीं आप लगा के दिखाओ अब. तो यार ये हाफ प्लेट की क्वालिटी चेक करो आप. वाह, ये पहले आगे राइस. और टाइमिंग क्या रहती है मैम अपनी यहाँ पर? सर हमारी अभी तो है 12 से 3:30. ठीक है. अरे वाह, अब ये आ गए जी साथ में राजमा, बहुत ही बढ़िया. तो ये सारा सामान मैम आप खुद बनाते हो? हाँ जी, खुद भी बनाती हूँ, साथ में हेल्पर भी है. ऐसा नहीं कि मैं अकेले ही बनाती हूँ, मेरे साथ मेरी टीम है जो पूरा मेरे को अप्रिशिएट करती है, तो सबकी हेल्प से ये सारा खाना. यहाँ पे आप आते हो 12:30 बजे के आसपास है ना? 12:30. और ये बनाने में आपको टाइम कितना लगता है किचन में? सर ये सुबह हमारी कुकिंग स्टार्ट हो जाती है 6:30-6 बजे. अच्छा, तो काफी एफर्ट है इसके पीछे. 6:30-6 से लेके मतलब 11 बजे तक आप तैयार करते हो सामान? हाँ जी, 10:30-11 बजे तक पूरा सामान तैयार हो जाता है. अब ये चटनी कौन सी डाली मैम आपने इसके ऊपर? हरा पुदीना, धनिया, अदरक, प्याज सब कुछ मिक्स करके हरी मिर्च उसकी बनाई गई चटनी. मैम कितने की है प्लेट? सर दिस इज 60. 60 रुपए की है और इनफ फॉर वन. और एक थाली लगा के दिखाओ आप, वो कितने की अपनी वेज थाली? सर वेज थाली हमारी 60 की है. अच्छा, थाली भी 60 रुपए की है. दो सब्जियां हैं, तीन चपाती है उसमें. वाह,
अब ये आ गई आलू न्यूट्री। और सब्जियों का कैसा रहता है, हम चेंज करते रहते हो आप? हाँ जी, मेन्यू हमारा रोज चेंज होता है, एक सब्जी रोज नहीं रहती। तो आपको पता होता है आज की इतनी प्लेट्स तो मेरी ऑलरेडी बुक है, लोग मैसेज भी कर देते होंगे कि मैम हमारा फूड रख लो। मैसेजेस आ जाते हैं, कॉल्स आ जाते हैं कि मैम हमारा 11 बजे से हमारा फूड ऑर्डर बुक हो जाता है। अभी मैं यहाँ पे आई नहीं होती, उससे पहले हमारी काफी प्लेट्स बुक होके पैक होके खाना चला भी गया होता है। तो ये बड़ा मैम कमाल का सिस्टम है, आपने इतना इस पे सही दिमाग लाया कि दुकान खुलने से पहले माल बिका हुआ है। अब ये आ गई आलू न्यूट्री, साथ में आई राजमा, और ये है प्याज और चटनी, और वहाँ से आ गई चपाती। ये अपनी फिक्स थाली है 60 रुपीज़ की। मैम एक और बात बताओ, जैसे भी किसी को सब्जी ज्यादा चाहिए हो एक्स्ट्रा, तो उसके चार्ज नहीं, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। नहीं है, नहीं है। सब्जी कोई कितनी भी खा सकता है, कितनी भी क्या खा लेगा एक वो, हाँ, तीन चपाती के साथ जो है, हाँ, अपनी चपाती के हिसाब से जो सफिशिएंट सब्जी है उसको जा सकती है। हर कोई डरता है मैं रोड साइड नहीं खाना सेफ ही। सर पहली तो बात, जो डर गया समझो मर गया। सही है, सबसे बड़ी बात है जिसने अपना डर निकाल दिया। अब मैं देखूँ लेडीज को ही देखूँ तो काफी ऐसी लेडीज है की जो घर से बाहर निकलना चाहती है पर एक उनमें गट्स नहीं है कि अपने हस्बैंड को नहीं बोल सकती, अपने पापा को नहीं बोल सकती कि मैं ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। पर मैं ये चाहती हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ कभी एक ज़िंदगी मिली है, बार बार नहीं मिलनी। जो आपका दिल करता है वो करो, बाहर निकलना है, अपना नाम बनाओ। एक ही ज़िंदगी में एक बार मौका मिला है, हर बार मौका नहीं मिलना। जो करना चाहते हो उनके पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को सपोर्ट करनी चाहिए। जो लड़कियां शादीशुदा हैं कि काम करना चाहती हैं उनको भी अपने हस्बैंड के साथ अपनी फैमिली को लेके डिस्कस करना चाहिए कि मैं काम करना चाहती हूँ। एंड एक इतना ईजी वर्क है ना कि हर लेडी, जैसे मैंने बताया कि खाना बनाती है तो वो कुकिंग से ही अपना काम शुरू कर सकती है। अपनी जो एक बेसिक जो खर्चे होते हैं ना मंथली एक लड़की के, वो कर सकती है। आगे ऐसा नहीं होगी हाँ जी मैं अपने हस्बैंड पे डिपेंड हूँ, मैं अपनी फैमिली पे डिपेंड हूँ, तो एक बहुत इजी वर्क है। जब मैं पहले दिन आई थी तो हम तीन जने थे जो आए थे, जब से हमने काम स्टार्ट किया था। आज चलो वो नहीं है, वो स्टाफ नहीं है, स्टाफ चेंज हो गया होली होली स्टाफ। जिसको अच्छा लगा, जो गर्मी चल गया, जिसको गर्मी ज़्यादा लगी वो नहीं आ पाया, जो आगे तक चलता गया जो हम साथ चल रहे हैं आज तक चल रहे हैं। तो रिस्पॉन्स पहले दिन ही मेरे को अच्छा आ गया था, जिसकी मेरे को बिल्कुल भी आस नहीं थी कि मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स आएगा कि मैं एक स्टेज पर फूड लगाने जा रही हूँ, कि इतनी क्वांटिटी में खाना बनाया था कि पता नहीं यार शाम तक क्या बनेगा। तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा, फूड आ गया सामने। अब ये देखो बिल्कुल यार घर वाला फूड है, इसको आपको वो हिला डुला के, मैं आपके मुंह में पानी नहीं लाना चाहता क्योंकि घर में आप फूड खाते हो तो हिला डुला के मुंह में पानी नहीं लाते, वैसे ही फूड है जो आपके घर। वैसे शी इज वेरी ब्यूटीफुल, डाबा क्वीन सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, सच में क्वीन है यार, और वेल एजुकेटेड है। वैसे पर्सनली मैं शहर में हॉस्टल में रहता था कुछ अर्सा पहले, कॉलेज में था मैं, शहर में रहता था हॉस्टल में। तो हम बाहर जाते थे, एक होटल था वहाँ पे खाना खाते थे, वो इसी तरह का खाना हमें मिलता था जो कि डेली बेसिस पे इंसान खा सकते हैं, और इसकी प्राइस है आज के लिहाज से तो इस्लामाबाद में तकरीबन 250 का मिल जाता है। प्राइस बहुत ज़्यादा कम है और खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा है यार। स्टूडेंट लाइफ में ऐसा खाना अगर मिलता है तो बेस्ट है, क्योंकि इंसान ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता हॉस्टल लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में जब होता है तो इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, और अच्छा खाना भी नहीं मिलता हॉस्टल में तो, और जो साफ हो और इतना ज़्यादा तेल और मसाले वगैरह ना हो। वैसे इस वीडियो से मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सिर्फ सोच इंसान की बड़ी होनी चाहिए। ये बात मुझे समझ नहीं आई कि इतनी ज़्यादा एजुकेटेड है ये लड़की, फिर भी ये सड़क के ऊपर एक काम कर रही है। हर एक की अपनी एक चॉइस होती है, मुझे बताएं कि क्यों ऐसा इसने स्टार्ट किया है। वैसे कोई भी छोटा स्टार्ट छोटा नहीं होता, इंसान फिर धीरे धीरे तरक्की करता है, लेकिन फिर भी ये बड़ा भी कर सकती थी, इसने क्यों इतना छोटा लिया? क्योंकि ये कह रहा है कि वेल एजुकेटेड है, तो वेल एजुकेटेड जो होता है तो वो ऐसा नहीं करता, वो काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग के साथ आता है। वो ऐसा करता है कि इसकी भी प्लानिंग होगी, आई नो इसकी भी प्लानिंग होगी, कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर होगी, लेकिन जो वेल एजुकेटेड होते हैं वो पहले जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद थोड़े बहुत पैसे कमा लेते हैं इधर उधर से, पैसे कमाने के बाद फिर वो इन्वेस्ट करते हैं, फिर अच्छा खासा रेस्टोरेंट वगैरह खोल लेते हैं ना, छोटे लेवल से वो स्टार्ट नहीं करते इतने ज़्यादा, पहले से वो जॉब में इतना पैसे कमा लेते हैं। वैसे ये मेरी अपनी ओपिनियन है। वैसे इस लड़की को देखने के बाद बड़ी सी इंस्पिरेशन मिली मुझे कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर आपने एजुकेशन की है, आपको जॉब नहीं मिलती तो फिर ये सही है, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो फिर आप कोई भी काम करें, चाहे आपको सड़क पे बैठकर आप छोले वगैरह या फिर कोई और चीज़
भेजनी भी पड़ेगा अगर आपके पास अच्छी खासी डिग्री है, अच्छी खासी एजुकेशन, लेकिन हाल ही बैठना नहीं चाहिए इंसान को। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे मिली कि हाल ही नहीं बैठना चाहिए इंसान को, काम करना चाहिए चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। सो फॉर टुडे दैट्स इट फॉर आवर रिएक्शन वीडियो। आई होप यू एंजॉय एंड वॉचिंग अलॉन्ग विद अस एंड हियरिंग आवर थॉट्स ऑन ढाबा क्वीन का बेस्ट पंजाबी फूड, वो भी सिर्फ 40 रुपये में। वैसे अगर पैसों की बात की जाए तो इस्लामाबाद में 250 का मिलता है। इस लड़की को मैं देना चाहूँगा 8 star out of 10। रेट भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, 8 तो बनता है यार। सो इफ़ यू लाइक व्हाट यू सॉ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।